हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। आज दिवाली है, आज 24 अक्टूबर, और हम लोग अभी आए हैं फूलों की शॉपिंग करने। सो हम लोग आए हैं फूल मंडी में, जो कि अगर आप लोग बनारस के हैं तो पता होगा कि ये मलदहिया चौराहे पे है, और चौराहे से ही आज दिवाली की वजह से पूरी यहाँ भीड़ लगी हुई है और माला वगैरह सब मिल रहे हैं, और मंडी तक इस तरह से पूरे लाइन से लगे हुए हैं। ये देखिए, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, हर तरह के फूल यहाँ मिल रहे थे, खुले फूल भी मिल रहे थे। ये देखिए, ऑरेंज और येलो हर तरह के माले थे, सिंगल कलर, डबल कलर, हर तरह के। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं फूल मंडी, थोड़े से चौराहे से आगे जाने पे किसान फूल मंडी। अभी हम लोग चलते हैं मंडी के अंदर। ये देखिए, हर तरह के हैं माला, गजरा और ये तुलसी पत्ता, सब कुछ मिल रहा था, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ आज दिवाली की वजह से। तो ये देखिए, यहाँ से भी हम लोग भी फूल ख़रीदेंगे। और मैंने भी देखा था कि यहाँ फूल मंडी है यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा चलो आज दिवाली है तो इसी बहाने इसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, हम ले चुके हैं माला, और अभी चलते हैं बाहर और भी कुछ फूल लेने हैं। तो अभी ये हो गया है माला, और यहाँ थोक का है ना, तो 10 माला का ही दे रहा था, बट मैंने चेंज करा के उसमें से माला लिया है, सो मिल गया। और ये देखिए यहाँ पे गुलाब, तो मैंने यहाँ से रोज़ के भी कुछ फ्लावर्स लिए। देखिए कमल के फूल, और यहाँ पे ये बना बना के बेच रहे थे, काफ़ी कॉस्टली दे रहे थे, 60 रुपया जोड़ा। सो मैं इसे घर पे ही बना लूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी ये सारी चीज़ें। सो अशोक के पत्ते में ले लूँगी, उधर हम लोग के साइड हैं। और ये अभी हम लोग घर आ चुके हैं, और ये रहा हमारे फूलों की शॉपिंग। ये मैंने खुले फूल भी कुछ लिए हैं रंगोली बनाने के लिए एंड उर्ली में डालने के लिए, ये है माला। और फिर चलिए डेकोरेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं वो इस डिज़ाइन का ये बना रही हूँ पत्तों के ऊपर, फूलों को लगाकर बीच में रोज़ लगा दिया है, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको चिपकाने के लिए, मैं ग्लूगन का यूज़ करूँगी। पिछली बार मैंने डबल साइड टेप से लगाया था ना, तो कुछ देर बाद ये गिर जा रहा था, तो ग्लूगन से लगा रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और ये देखिए, इसको मैंने लगा दिया, तुरंत ही चिपक जाता है और निकलेगा भी नहीं। सो इस तरह से मैं कुछ और बना लूँगी और जगह जगह इसको लगा दूँगी, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए, मैंने बाहर गेट पे ये रंगोली बनाई हुई है। इस बार मैंने फूलों की रंगोली ज़्यादा बनाई है, फूल से मैंने इस तरह से बना दिया, और थोड़े से पिछले साल के कलर बचे हुए थे, सो उससे मैंने ये बना दिया है। इस बार मैं कलर लेकर नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा मन नहीं था इस बार कलर से रंगोली बनाने का। सो ये देखिए, मैंने इस तरह से डेकोर कर दिया है। ये मेन मेरा एंट्रेंस है, यहाँ पर मैंने अशोक के पत्ते और गेंदे से माले बना के लगा दिया है, बाकी और चीज़ें मैंने लगाई हुई है। और ये देखिए, आंगन से नीचे वाले पोर्शन में भाभी ने सजाया है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये हम लोग के साइड में जो आंगन है ना, खाली खाली लग रही थी इसकी दीवार, तो मैंने यहाँ पे भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना के फूलों का लगा दिया है। सो चलिए एक व्यू देते हैं आपको अपने डेकोरेशन का, कि मैंने कैसे किया है, और लाइट जलने के बाद फिर एक क्विक व्यू मैं दे दूंगी। तो अभी अच्छे से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इंटरेस्ट आपने देख लिया, दरवाजे पे मैंने ये लगाया है फूल बना के, और जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, उसके नीचे एक रंगोली है गुलाब का, 2 कलर्स लगाया है। यहाँ पे मैंने एक रंगोली बनाई हुई है, और यहाँ पे भी एक बनाई है गमले के पास। सो मैंने 2 रंगोली ही बनाई है कलर से, और एक बनाया है बालकनी में। और ये मेरा सेकेंड रूम का दरवाज़ा है। अभी मैं अभी दिखाती हूँ अपने टेबल को, मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है, और ये पहले से ही लगा हुआ था टीवी पे, जो भी ये पत्तियाँ वगैरह पिछले साल का ही सब है। और इस तरह से मैंने एक कांच के बाउल में फ्लावर्स डाले हैं, और ये मैंने गुल्लक ख़रीदा था ना, तो ये गुल्लक का और डेकोरेटिव पीस ज़्यादा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर मैंने इस तरह से ये लगाया है। तो ये देखिए, इस तरह से टेबल को मैंने सजा दिया है, और ये जो हार्ट है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसको मैं एज ए डेकोर ही रखूँगी, और गुल्लक तो बच्चे इसे यूज करेंगे ही। तो ये रहा पूरा लुक आगे वाले रूम का। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले में। सो ये दूसरे वाले रूम में मैंने इस तरह से ये अलमारी रखी है, इस पर इस तरह से ये रखे हुए हैं डेकोरेटिव पीस, इस पर भी मैंने इस तरह से लाइट लगा दी है, और फ्रेश सॉरी वॉशिंग मशीन पे भी मैंने एक छोटी सी रंगोली फूलों की बनाई है। और ये रहा मेरा खूबसूरत सा मंदिर, वो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, तो ऊपर भी मैंने इस तरह से माले की लड़ियों से उसे सजा दिया है, तो एकदम मंदिर का इस पर रुक आ रहा है, और देखने में काफ़ी खूबसूरत है। अंदर वाली ये दीवार ना खाली खाली लग रही थी, तो मैंने भी एक फ्लावर इस पर लगा दिया है। सो और देखिए, ये रहा मंदिर अंदर से, और पीछे एक कलश तो था ही, सुबला मैंने लगाया है। सो ये रहा मेरा मंदिर का लुक, और बाहर एक रंगोली लगाई है, और एक हाथ से बनाई हुई रंगोली है जिसे श्रेया ने बनाया था, और उसको भी यहाँ रख दिया है। तो ये रहा मेरे मंदिर का लुक,
चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसी रूम में साइड में मेरा मिरर लगा हुआ है, ये मिरर मैंने बनवाया है ऑर्डर देकर, शीशा ख़रीदा और इसको फ्रेमिंग करा। इस पर भी मैंने ऐसे फ्लावर लगा दिए हैं साइड से और वहीं पे बना दिए। अभी चलते किचन में, तो किचन ये देखिए, किचन को भी मैंने थोड़ा सा डेकोर कर दिया है, और क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम किचन में बीतता है तो ये भी खूबसूरत होना चाहिए ना। तो ये देखिए हर जगह मैंने फूल रख दिया है किचन के अंदर, और लाइट्स जो ले आई थी LED वाली वो लगा दिया, और यहाँ मैंने कांच के जो ग्लास है उसको सजा दिया। यहाँ पे रोज़ वाले एक बाउल में पानी डाल के उसको रख दिया रोज़ के फूल। और ये देखिए ये मैंने बनाया है, ये जो डलिया थी मैंने तीज में लिया था जो सामान, तो उसी को मैंने इस तरह से डेकोर किया है और यहाँ किचन में इसको टांग दिया है, जो देखने में अच्छा लग रहा है। और किचन के जस्ट सामने वाली जो वाल है ये खाली खाली लग रही थी, गलियारा है, तो वहाँ पे मैंने ना एक की होल्डर बहुत ज़्यादा दिन से मैं रखी थी, उसे लगा नहीं पा रही थी लगाने के लिए, तो यहाँ उसको लगा के इस तरह से डेकोर कर दिया है। जो बर्ड लेकर आई थी उसको यहाँ लगा दिया है। और इस बार हम लोग ना मोदक बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग उसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं, जो कि है नारियल, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, और तिल है सफ़ेद तिल, उसको इस तरह से बना रहे हैं। उसके बाद इसको फिल करेंगे मोदक के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आज दिवाली है और सबको घरों में पूजा हो रही है, सो मेरे यहाँ भी होने वाली है। सब कुछ हो गया है और एकदम थकान हो गई है सुबह से काम करते करते, अभी खाना बनाने जा रही हूँ और 7 बजने वाले हैं, पूजा का टाइम भी हो गया है। सो मैंने ये साड़ी चेंज कर ली, अभी कुछ भी नहीं किया, साड़ी चेंज कर लिया और बाल कंघी कर लिया है, और बाकी फेस वगैरह पे जो दिन में मार्केट गई थी तभी का ये सब है, और मन भी नहीं कर रहा, सर में दर्द हो रहा है। सो अभी बन रहा है उधर मोदक, और उसके बाद पूजा शुरू होगी, बाकी डेकोरेशन वगैरह का सारा काम हो गया है। दिन भर डेकोरेशन करने में और ये सारे करने में समय बीत गया, सो अभी चलते हैं खाना की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो है खाना मांगने लगेंगे जैसे पूजा भी कर। देखिए लॉक को प्रैक्टिस कर रहा है पटाखा जलाने की, सो चलते हैं किचन में। जो एकदम ट्रेडिशनल वाले बना रहे हैं चावल के आटे में, और ये गुड़ और नारियल का फिलिंग भर के। और इससे पहले मैंने आपको इंस्टेंट ओरियो मोदक बताया था, जो कि मेरे दूसरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे उस चैनल पे जाके आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी, आप वहाँ जाके, मेरे रेसिपी का चैनल है वो मेरा, आप देख सकते हैं मेरी रेसिपी। सो ये देखिए मोदक बन के तैयार हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए गैस के ऊपर भी है ना, मैंने दिए में रोज़ रख के रख दिया, उसको भी सजा दिया, और यहाँ पर मोदक जो है उबल रहा है, और यहाँ पे ये उबल के रेडी हो चुका है। जल्दी से इसको मैंने बना दिया है एक बैच की पूजा में, ताकि यूज हो सके। और यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म ही देखिए निकाल लिया है पूजा में रखने के लिए। सो यहाँ पे देखिए लव को, ये अपने काम में एकदम बिजी है, तैयार और हो गए, धोती कुर्ता पहन के, मोबाइल लेके देखिए, खा पी के ग्लास कटोरी यहीं पर रखा हुआ है और अपना कार्टून देख रहा है। बस इसको दिन भर कार्टून देखना होता है, मोबाइल हो या TV हो। सो चलिए आगे, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, लाओ जो है कह रहा था मम्मी मेरे फ़ोटो खींचो वीडियो बनाओ मैं रंगोली बनाते हुए, सो मैं उसका ये बना रही हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना, सो अभी बनने जा रहा है शाही पनीर, वो भी रेडीमेड मसाले वाला, ये शाही पनीर मसाला रेडीमेड, और ये प्याज टमाटर और लहसुन का पेस्ट। सो अभी इसको हम बनाते हैं, और ये रहा पनीर, इधर बन रहा है मोदक, एक बैच बन गया है, दूसरा बैच बन रहा है, सो अभी बनाते हैं। बाद अभी दिया वगैरह जलाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारी दिवाली पूजा हो गई है, और चूँकि मंगलवार है तो ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो ये जब तक अपना पूजा करते हैं तब तक हम लोग इधर दिया वगैरह लगा लेते हैं, फिर आरती करेंगे। तो यहाँ ये देखिए दिया जल चुका है, और श्रेया जो है यहाँ पे हेल्प करी, इसने इस बार दिवाली में काफ़ी हेल्प किया, दिया डेकोरेट किया, दिया बनाया, और ये देखिए यहाँ पर ये सब कर रही है। तभी हम लोग ये दिया लेकर लगाने जा रहे हैं, सो तब तक उनकी पूजा भी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है रंगोली के ऊपर, अभी श्रेया उधर और दिया जला रही है और बाहर उधर रख रही है। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माते सिंदूर सोहे मूस की सवारी, जय गणेश जय गणेश।
जब सब कुछ हो गया तभी जो खाना बचा है उसको मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सूरन की सब्ज़ी बनाया है, सूखी सूखी। मैंने सोचा चोखा बनाऊँगी, बट देसी सूरन लेकर आए थे, चोखा अगर बनता तो गला शायद पकड़ता, इसलिए मैंने सब्ज़ी बना लिया है। फ्रेंड्स, हमारा सारा खाना बन चुका है, अभी चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद जाएंगे हम छत पे पटाखे जलाने, आने के बाद खाना खाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा शाही पनीर, ये सूरन की सूखी सब्जी, ये जीरा राइस, ये मोदक, यहाँ पे बन गई है पूड़िया, ये है पापड़। सो ये रहा हमारा आज का खाना, काफ़ी बड़ा साइज है देख सकते हैं। और ये जो कपूर इसमें लगाया जाता है ना, उन्होंने सही से नहीं लगाया था, जैसे हम लोग जलाए ये नीचे गिर गया, फिर हमारा ये अच्छे से जल नहीं पाया। और उसके बाद ये जो साइड का पेपर है ये पकड़ लिया, फिर ये बेकार हो गया, नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये देखिए रॉकेट जलाया, ये बढ़िया जल गया एकदम अच्छे से। छत के ऊपर और जो पटाखे जल रहे थे, लाइट्स वगैरह चारों तरफ देखते, बस डर भी लग रहा था, क्योंकि पटाखे इतने तेज बज रहे थे ना, जैसे लग रहा था कि छत हिल जा रही है। और फिर हम लोग को पटाखा आके लग रही है, उसके बाद डर नहीं लगा, फिर हमने जल्दी जल्दी अपना पटाखा बजा के नीचे चले गए। तो ये देखिए चारों तरफ पटाखे 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 की आवाज़, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है वाला पटाखा, देखिए एकदम लगातार एकदम रन करके जा रहा था, बज रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, शाम की तरह एकदम जा रहा है बाहर आके। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी दिवाली सेलिब्रेशन हो चुकी है, अभी चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं। फ्रेंड्स, 11:10 हो गए, मैंने खाना खा लिया और किचन जो भी खाना बचा था मैंने सब किया है फ्रिज में। ये देखिए रोज़ कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं गई थी मंडी तो मैं रोज़ के भी फूल लेकर आई और इसको इस तरह से रखा। और फ्रेंड, ये रही हम लोग की दिवाली की वीडियो। और पर गए थे ना हम लोग पटाखा बजाने, तो मैं जल गई थोड़ा सा और लॉ चोट लगी है थोड़े से पटाखे से, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ज़्यादा जलन हो रही है, ये देखिए ये जल गया पटाखे से, एकदम काला पड़ गया, बहुत तेज़ जलन हो रही है ये। और हम लोग का जो ये पटाखे से जला है, हम लोगों को पटाखे से नहीं जला है, एक्चुअली हम लोग छत पे गए और अभी हम लोगों ने अपना स्टार्ट ही किया था पटाखा जलाना, कि दूसरी ओर से पटाखा आया, रॉकेट था वो, शायद सही से किसी ने नहीं लगाया होगा, वो आके हमारे पास आके फट गया, इसी वजह से मेरा ये हाथ में चोट लग गई है और लव को भी थोड़ा सा सर में लगा है, क्योंकि वो भी मेरे पास था। सो फ्रेंड्स, दिवाली मनाइए बट सेफ्टी के साथ था और सब ध्यान में रखते हुए। और हम लोगों ने बस बच्चों के लिए थोड़े हल्के फुल्के पटाखे लाए थे, इस तरह से बम वगैरह नहीं। मैं रॉकेट लेकर आई थी दो अपने लिए, लेकिन मैंने सही से जलाया और ऊपर जाके फटा। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी दिवाली की वीडियो। सो कैसी रही आप लोग की दिवाली? आई होप अच्छी रही होगी, मेरी भी ठीक थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, मेरा बालकनी बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, सो इसकी वीडियो मैं अलग से सेपरेट बनाऊँगी कि मैंने क्या क्या किया, बस एक लुक कैसे दिखा दूँ। ये देखिए ये सारी चीज़ें, तो मैंने क्या क्या लगाया है, अगर आप लोगों को देखना है तो कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।